नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने 48 घंटे में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में शिवलिंग को तोड़ने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेगूसराय जिले के खातोपुर में शिवलिंग तोड़ने विवाद मामले में बेगूसराय पुलिस लगातार असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज फिर एक बार पुलिस ने शिवलिंग तोड़ने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जाबिर को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि इससे पहले पुलिस ने 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने शिवलिंग तोड़ने वाले मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद की तलाश कर रही थी, जहां आज पुलिस ने सफलतापूर्वक मोहम्मद जावेद उर्फ जाबिर को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता में मीडिया को बताया कि बीते 23 सितंबर को खातोपुर में शिवलिंग तोड़ने विवाद में मुख्य आरोपी खातोपुर वार्ड नंबर 2 निवासी मोहम्मद निजाम उर्फ बूढ़ा के पुत्र मोहम्मद जावेद उर्फ जाबिर को रिफाइनरी ओपी क्षेत्र के नूरपुर गांव से देर रात गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के बाद आरोपी मोहम्मद जावेद से पुलिस लगातार पूछताछ करी कि आखिर किस कारण से उन्होंने शिवलिंग को तोड़ने का प्लान किया था। साथ ही पुलिस उसके साथ बैठने उठने वाले लोगों का भी पता लगा रही है। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बाकी उपद्रव मचाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अब तक मोहम्मद जावेद समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देर रात को जो एक घटना सामने आई थी, जिसमें कि खातोपुर के पास में एक शिव मंदिर के शिवलिंग के एक हिस्से को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसका जो मुख्य अभियुक्त था जावेद, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। इसकी गिरफ्तारी कल देर रात को हुई है। नूरपुर एक एरिया है रिफाइनरी ओपी अंतर्गत, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। कल हम लोगों ने 6 विशेष टीमों का गठन किया था सभी एसटीपीओ के नेतृत्व में, और कल कई सारी जगहों पे पुलिस ने लगातार छापेमारी की। एसटीपीओ सदर और एसटीपीओ टिंगड़ा के नेतृत्व में जो टीम थी उसने रिफाइनरी ओपी में छापेमारी की थी और वहाँ से जावेद की गिरफ्तारी हो गई है। कल जावेद से पूछताछ की जा रही है और इस मामले में अनुसंधान जारी है। क्या तथ्य निकल कर सामने आया, क्या प्रथम दृष्टया सत्य लग रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जस्ट अभी गिरफ्तारी देर रात को हुई है, और घटना होने के बाद करीब 48 घंटे के अंदर पुलिस ने मेन अक्यूज़ को अरेस्ट कर लिया है। तो इसमें अब पूछताछ जारी है उससे, एक बार पूछताछ हो जाएगी तो हम आपको बाकी चीज़ें। 48 घंटे में पुलिस को, जैसा कि आपको कहा कि उसके मोबाइल फोन्स को किन के साथ जावेद उठता बैठता था, क्या करता था, ये सारी चीज़ों को जांचने की ज़रूरत है। तो इन सारे बिंदुओं पे, सारे पहलुओं पे पुलिस अनुसंधान कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ उससे हो रही है। और पूछताछ के लिए एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनी है जो आज पूरा दिन उससे पूछताछ करेगी, और इसमें जो भी चीज़ पता चलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। 4 लोगों पे उसमें उपद्रव जो हुआ था, उसमें तो आपको पता ही है कि 30 लोग नेम्ड हैं, तो उसमें भी जो हमें वहाँ के खातोपुर की लोकल जनता से कि कौन कौन लोग उस दिन भीड़ का पार्ट थे, तो उस पर भी जांच हो रही है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। जावेद पर किन धाराओं में? जावेद पर जो 295A IPC में, 153A IPC में, और जो बाकी की धाराएं हैं उन सभी में FIR दर्ज हुई है। मैंने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें FIR की सारी डिटेल उसमें लिख दी गई है। शिवलिंग तोड़ने में जावेद अकेले थे या और भी कोई लोग शामिल थे? देखिए, मंदिर के जो केयर टेकर हैं उन्होंने एक ही व्यक्ति पे FIR दर्ज कराई थी, जावेद। तो जावेद ही एक व्यक्ति था FIR के हिसाब से, और उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने 48 घंटे में कर ली है। अब जावेद से पूछताछ होगी, यदि उसमें और भी चीज़ें पता चलेंगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। उपद्रवी में जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें कोई जनप्रतिनिधि पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है? मैंने आप लोगों को बताया था 30 लोग हैं उसमें, और बाकी मैंने आप लोगों को नाम भी दिए थे जो 12 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो जैसा आप बता रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन जितने 12 लोग अरेस्ट हो गए उसमें जेल गए हैं, सभी के खिलाफ सबूत हैं। कौन किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, किस पार्टी से जुड़ा है, किस संगठन से जुड़ा है, इस पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।